हेलो एंड वेलकम टू माय व्यंजन्स बाय अनीमा। मैं अनीमा आज आपके साथ चकली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो इंस्टेंट चकली हम बना करके तैयार करने वाले हैं। और इसे बहुत जगह मुरुक्कू भी बोलते हैं, तो मुरुक्की की रेसिपी है ये। और बहुत ही कुरकुरी बनेगी इस रेसिपी के साथ अगर आप बनाते हैं तो। और बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, तो प्लीज़ इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और पसंद आती है रेसिपी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पसंद की कोई रेसिपी बनाऊं तो मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपके पसंद की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर हम चकली की बात करें तो चकली बहुत तरीके से बनती है। लेफ़्ट ओवर राइस की भी आप चकली बना सकते हैं, गेहूं के आटे की चकली बना सकते हैं, लेकिन अभी जो मैंने बनाई है वो चावल के आटे की चकली बनाई है। और ये चकली बहुत ही क्रिस्पी है, तो क्रिस्पी चकली आपकी बनके तैयार होगी अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट देखते हैं। 2 कप चावल का आटा है, यहाँ 2 कप आपको चावल का आटा लेना है। और मेजरिंग के लिए कोई एक ही कप या बर्तन कोई भी आप यूज़ कर लिए। 1 कप बेसन है, चने का बेसन है ये, तो 2:1 का रेशियो आपका रहेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद सबसे पहले इसमें नमक ऐड किया है, 1 छोटे चम्मच नमक ले लिया है। इसके बाद भुने जीरा का पाउडर है, वो भी 1 छोटे चम्मच है। 1 बड़े चम्मच तिल है, सफ़ेद तिल जो होती है वो डाल लिया है। इसके बाद 1 छोटे चम्मच हमें अजवाइन लेना है, उसको ऐसे हाथ पे रब कर लीजिए। वैसे ये बहुत फ्रेश है, साफ है, फिर भी आप ऐसे रब करके डालिए। 1 छोटे चम्मच जीरा डाल लेना है, इन सब का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और हल्दी डाल लिया है 1 छोटे चम्मच, से बहुत अच्छा कलर भी आता है और टेस्ट भी आता है। ये कुटी हुई गोल मिर्च का पाउडर है, ये 1/4 टीस्पून आपको लेना है। 1/4 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। अब इन सबको बहुत अच्छे से मिला लेना है ताकि जो भी हमारा चावल का आटा, बेसन और जो भी हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें 2 बड़े चम्मच घी, देसी घी है ये। आपको बहुत ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड फैट ही ऐड करना है और 2 बड़े चम्मच से ज़्यादा भी आपको ऐड नहीं करना है। 2 बड़े चम्मच आपको ऐड करना है। इसको अपने आटे में बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि एक ब्रेड वाली जो कंसिस्टेंसी होती है वो आ जाए। इससे चकली बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार होती है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और चकली की जो हम डो तैयार करेंगे वो गुनगुने पानी से हमें उस डो को तैयार करना है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए और उसको आटे में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो भी थोड़ा सा पानी आप ऐड कर रहे हैं, 2 से 4 चम्मच ही एक बार में पानी को ऐड करना है और उसे पूरे आटे में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तभी आप दूसरा पानी डालिए। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए, इससे चकली बहुत अच्छी बनती है। तो चकली का डो अच्छा होगा तभी चकली कुरकुरी भी बनेगी, क्रिस्पी होगी और टेस्टी भी रहेगी। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको एक अच्छा सा डो बनाना है, तो वो गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो 3 कप आटा है इसको लगाने में, आटे को इसका डो तैयार करने में मुझे 1 कप पानी लगा है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आटा जो हम लगाएंगे, जो हम डो तैयार करेंगे, वो बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए और सॉफ्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। जब डो अच्छे से तैयार हो जाए तो इसके बाद हम इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल लगा लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल, राइस ब्रन, रिफाइंड ऑयल, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये भी ऑयल बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, अदरवाइज चकली बनाते टाइम वो जो चकली का हम शेप देंगे वो टूट जाती है, तो 1 चम्मच ही लगाना है। तो ये रही हमारी चकली मेकर, इसी के हेल्प से हम बनाने वाले हैं। और यहाँ जो मैं प्लेट यूज़ करूँगी ये स्टार वाला यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले चकली मेकर को ग्रीस कर लेना है, ये आपको बहुत आसानी से आपके आसपास मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। तो चकली मेकर को ग्रीस कर लिया है और अब इसमें डो जो हमने बना करके रखा है उसको इसके अंदर फिल कर लेना है। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा गैप आपको रहने देना है ताकि आपकी चकली जो बने वो आराम से बन जाए। और अगर आपके पास चकली मेकर नहीं है तो भी आप हाथों से ही लंबा लंबा सा रोल करके वापस उसको राउंड शेप देके आप बना सकते हैं। देखिए ये बहुत आसानी से चकली मेकर के थ्रू ये बन जाती है। तो इसी तरीके से आपको इसको घुमाते हुए बनाना है, शेप का ध्यान रखना है।
चकली मेकर को घुमाते हुए जो जलेबी वाली शेप होती है वो आपको देना है। लेकिन अगर इस तरीके से दिक्कत होती है तो देखिए, मैं रफली एक लाइन सा बना ली हूँ और अपने हाथ के हेल्प से इस तरीके से रोल करते हुए, बिल्कुल आप इस तरीके से भी चकली बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इसी तरीके से लंबा लंबा सा रोल बनाइए और इसे घुमाते हुए जलेबी का शेप दे दीजिए। बस बहुत ईजी है, इस तरीके से आप बनाइए। चलिए मैं बिल्कुल नज़दीक से एक आपको दिखाती हूँ। ऐसे रोल बनाना है, लंबा सा आप लाइन बना लीजिए और इसको ऐसे घुमाते हुए रोल कर लीजिए। और साइज की जहाँ तक बात है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन ये जो साइज़ है वो परफेक्ट साइज़ है। तो इसी तरीके से मैं बाकी की सारी चकली बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए ये सारी चकली बन के हो गई है तैयार, अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ देखिए मैंने तेल गर्म कर लिया है, तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक बार जैसे ही तेल गर्म हो जाए वैसे हम आँच को, जो गैस है उसका, मीडियम टू लो पे रख देंगे और तब फ्राई करेंगे चकली को। यहाँ देखिए बहुत आसानी से चकली मैं उठा ले रही हूँ। तो इसी तरीके से आप किसी स्पैचुला की हेल्प से ही चकली को उठाइए और एक एक करके चकली डालिए। यहाँ तो डो बहुत अच्छा मैंने बनाया है, तो इसी तरीके से आप डो बनाइए तो आप हाथों से ही उठा के डाल सकते हैं बहुत आराम से। और एक बार में 5-6 चकली डालिए ताकि ऑयल का जो हीट है वो बैलेंस रहे। बहुत कम चकली आपको एक बार में नहीं फ्राई करना है, अदरवाइज जो ऑयल का टेम्परेचर है वो मैनेज नहीं होगा और चकली जल जाएगी या फिर कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम टू लो पे हमें फ्राई करना है और बिल्कुल इसे बीच में नहीं छेड़ना है। देखिए बहुत देर बाद जैसे ही एक साइड फ्राई हो जाती है तब हम दूसरे साइड उसको पलटेंगे। तो 2-3 मिनट के बाद हम इसको, हमें पलट लेना है। देखिए हल्का हल्का सा करके आप पलट लीजिए तो आराम से 8-10 मिनट लग जाती है एक बैच तैयार होने में। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी कढ़ाई ले रखे हैं, कितना ऑयल है, कितनी चकली डाल रखे हैं, बट एक ये रेंज जो है मैं बता रही हूँ। जैसे मैं 5-6 चकली तैयार कर रही हूँ उसके लिए मैंने बताया है। तो देखिए यहाँ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, और ये कितनी अच्छी चकली की कलर आई है आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अच्छे से फ्राई करना है ताकि चकली का जो कलर है वो डार्क भी ना हो और चकली अंदर से पक भी जाए और क्रिस्पी सी चकली बन के हो जाएगी तैयार। तो इसी तरीके से आपको सारी चकली निकाल लीजिए और निकाल के इसे आप किचन टॉवल पे ज़रूर डालिए, टिश्यू पेपर पे डाल के ही, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। उसके बाद ही ये चकली खाने के लिए तैयार हो जाएगी। और देखिए मैं इमीडिएट इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ, ये चकली कितनी अच्छी, शेप भी बहुत अच्छी आई है और ये बिल्कुल ही क्रिस्पी चकली हमारी बनके तैयार हुई है। तो बनाइए चकली और अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पसंद बताइए। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।